अम्बाला शहर में जजपा और आजाद समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार ने आज गांव सुलर में अपना चुनावी प्रचार किया। इस दौरान गांव सुलर में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और गर्मजोशी से पारुल नागपाल का गांव में आने पर स्वागत किया। पारुल नागपाल ने लोगों को बताया कि यदि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो इस बारी उन्हें मौका दो ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए। इसी दौरान गांव के पूर्व सरपंच हरकेश सुलर ने जमकर विरोधियों पर हमला बोला और भाजपा और कांग्रेस के पूर्व विधायकों की पोल खोली। राम राम, बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल के आप आए। आज आपका छुट्टी का दिन था, आप सभी यहाँ टाइम निकाल के आए। मैं तो यही बोलूंगा कि हम हर बार यही सोचते हैं कि हमारा कोई काम नहीं किया, कोई भी आता वोटे लेके चला जाता, काम नहीं किया। गलती हमारी लोगों की ही है, क्योंकि जब हम किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं हम अपने बच्चों के लिए नहीं आवाज उठाते। जब तक हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, यहाँ सारी महिलाएं बैठी हैं, हर महिला को कुछ नहीं चाहिए, वो कहती है हमारे बच्चों की एजुकेशन और हमारे बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम हो। गली नालियाँ तो आपकी 10 साल 20 साल से आप यही देखते आ रहे हो, कोई नहीं बनाएगा। आप यही चाहोगे कि आपके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम हो, क्योंकि जो आपका एक हक है वो हम कोई आपको चुनावी वादा नहीं करेंगे, बट आने वाली 5 तारीख को ये आपके पास ही एक अवसर है कि आप अपने बच्चों के प्रति ईमानदार हो गए, अपने बच्चों के लिए वोट डालें। क्योंकि जिसका भी आपने झंडा उठाया उसने अपने बच्चों के प्रति काम किया, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। आज हुड्डा की एक ही लड़ाई है भी अपने लड़के को सीएम बनाना, तो आप लोगों ने उसके झंडे उठाए कांग्रेस के, आप लोगों ने झंडे उठाए बीजेपी के। तो अब मैं इस बार आपको ये बोलूँगा कि 5 तारीख को आप जब भी वोट डालने जाओ, जो 5 तारीख को सुबह वोट डालने जाओ, तो सब अपने बच्चों की शक्ल और अपने घर को देख के वोट डालने जाओ। और आप 5 तारीख को केतली के ऊपर वोट डालो ताकि आपके बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम काम कर पाएं और आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे पाएं। धन्यवाद। राजकुमार वर्मा जी और गाँव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आपके सामने जो हमारे उम्मीदवार हैं पारुल नागपाल जी, वो अपनी संस्था चला रहे हैं, 200 बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में वो फीस देते हैं। इसके साथ ही ई रिक्शा उन्होंने औरतों के लिए अम्बाड़ा में चला रखी है, कंप्यूटर सेंटर वो चलाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप दो कैंडिडेट देखें, चाहे आप निर्मल सिंह को देखो, तो उसके साथ जितने लोग हैं उसने बदमाशी करी यहाँ पे, जितना राज कराया उसने, और जब हम लोकदल में होते थे तो 27 कत्ल उसके राज में यहाँ अपने नगर हल्का में हुए। और दूसरी तरफ जो असीम गोयल जी हैं, पीछे मैंने 5 एकड़ जमीन देकर के गौशाला सुलर में बनाई तो 1200 गौएं वहाँ मरी। मैंने हाथ भी जोड़े भी, भाई आजा तू इनको देख ले, लेकिन वैसे गौ माता करते हैं, लेकिन 1200 गौओं का कातिल असीम गोयल है। इसलिए आपने दोनों को छोड़ करके, हमारा बच्चा है पारुल नागपाल, इसका साथ देना है आने वाली 5 तारीख को, केतली का बटन दबा करके आपने गठबंधन प्रत्याशी को जिताना है। आप सभी इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।